Anil Deshmukh, who's gone on to say that the central agency has not yet taken over the case, adding that the case is in the apex court right now. So Anil Deshmukh once again insisting that the Mumbai police is capable of conducting the investigation in a professional manner. This despite the kind of lapses that have been exposed. And I want to bring in my colleague Alisha, who's joining us on the phone line. Alisha, that continues to be the persisting question. Why such adamancy, and why is it that the Maharashtra government is so opposed to a CBI probe in this case? देखिए इम्पोर्टेंटली देखा जाए जहां पर अनिल देशमुख जो कि सबसे पहले सीबीआई को केस हैंडओवर करने थे उसी समय अनिल देशमुख के ऑफिस से और से बताया गया था कि वो मीडिया से बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे और जो मुंबई छोड़कर वो खुद नागपुर में फिलहाल जहां पर मौजूद है मीडिया के लोग जो वहां पर पहुंचे थे तो उनको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अब तक यानी सुशांत सिंह के जो केस है वो अब तक सीबीआई को नहीं दिया गया है. केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जिसका अनाउंसमेंट जिसका जो ऑर्डर जो प्रोनाउंस है वो 11 अगस्त को दी जाएगी और मुंबई पुलिस को फिर से एक बार अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री है उन्होंने जस्टिफाई किया और कहा है कि मुंबई पुलिस काफी सक्षम है वो एकदम प्रोफेशनल मैनर से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. साथ ही फिर चाहे वो कंडक्ट करना क्यों ना हो इन्वेस्टिगेशन क्यों ना करना हो मुंबई पुलिस जो है right. वो एकदम केपेबल इनाफ है सक्षम है करेगी और इस पर कोई भी उनको रीजन नहीं लगता है कि वो इस मामले को सीबीआई को दे दे. All right, Alisha, thank you for the moment for throwing light on what the Home Minister of Maharashtra has said. On that note, it's time for us.